आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में स्थित विंध के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही से अब चिकित्सा सुविधा की हालत बदतर होती जा रही है। बात करें अस्पताल के गांधी वार्ड की, जहां प्रसव पीड़ा से कराह रही महिलाओं का इलाज करना तो दूर, उन्हें बाहर से ही भगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अस्पताल में यह असमंजस्य की स्थिति हाल ही में पीजी डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से हुई है। यहां ड्यूटी करने वाली पीजी डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब गायनी वार्ड के अधिकांश रूम बंद कर दिए गए हैं और चिकित्सक अचानक से यहां गायब हो गए हैं। बता दें कि अस्पताल में बनी इस असमंजस्य की स्थिति में पहले से भर्ती मरीजों को छुट्टी इसलिए नहीं दी जा रही है कि उनका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, वहीं प्रसव के लिए आने वाली प्रसूताओं को भर्ती करने में कोताही बरती जा रही है। बता दें कि अस्पताल में बनी ऐसी असमंजस्य की स्थिति को लेकर जब अस्पताल के डीन से संपर्क किया गया तो उन्होंने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोला और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बजाज बाहर होने की बात कहकर अपने आप को बचाते नजर आए। इतना ही नहीं, वार्ड के एचओडी ने भी फोन तक नहीं उठाया। ऐसे में उन मरीजों का क्या होगा जो दूर दराज से उपचार के लिए अस्पताल आए हुए हैं, जिनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अब तक नहीं बनाई गई है। बता दें कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का आलम तो यह है कि पीजी चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव आई है और वह हॉस्टल में संपर्क में है और हॉस्टल में 60 से 70 पीजी स्टूडेंट रहते हैं जिनके संबंध में कोई जानकारी नहीं ली जा रही है, जो आगे चलकर अब प्रशासन के लिए एक गंभीर समस्या बनकर सामने खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इस संबंध में कलेक्टर रीवा ने से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने पूरी जानकारी न होने के अभाव में डीन से बात करने की बात कही थी, लेकिन श्याम साया मेडिकल कॉलेज के डीन दरवाजा खोलने को ही तैयार नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उन मरीजों का क्या होगा जो बाहर से इलाज के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर हम लोग यहाँ रीवा के हैं, पेशेंट हमारी सतना से आई है। तो यहाँ आज कई बजे से आई है? हम लोग यहाँ सिर्फ 2 बजे से परेशान हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ? बोल रहे हैं कि कोरोना पेशेंट है, यहाँ हम लोग हाथ ना लगाएंगे, बड़ी हॉस्पिटल ले जाइए। बड़ी हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि लेबर रूम के अंदर कोरोना मरीज है। लेकिन अभी जो शिफ्ट की है वो तो देख रहा है, इसके बाद हाथ लगाए तब ना देखे हमारा मरीज का है। अभी तो इतनी बड़ी रात है, हाँ वहाँ तो पहले से बोले कोरोना है। हाँ कोरोना में है, कोरोना पेशेंट जबरदस्ती कोरोना चिल्ला रहे हैं। अब हम नहीं बोलेते तो कल तक में हमारे मरीज को इन्फेक्शन फैल जाएगा। मतलब वो जो पेट में एक वो हो रहा, दूसरी लड़की हमारी मर रही है।